से पहले आप सभी से एक मेरा एक सवाल है और वो आप बताएंगे कि हाइग्रोमीटर से किसको मापा जाता है। किसे द्वारा सुनो, हाइग्रोमीटर से किसको मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता या फिर वायु का वेग। इन दोनों ऑप्शंस में से एक सही है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में कहीं पर भी कोई भी फालतू बातचीत नहीं होगा। बैक टू बैक क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे कि 30 मई 2021 को किस भारतीय घुड़सवार ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये सवाल बहुत अच्छा है। इस सवाल के अंदर ओलंपिक से बहुत ज़्यादा फैक्ट आप सभी को मैं बताऊँगा। देखिएगा, जैसे मैंने खुद मेहनत करके इन सब चीज़ों को लर्न किया, याद किया है, बार बार पढ़ा है, वैसे ही आप सभी को हर क्वेश्चन का फैक्ट आप सभी को पता होना चाहिए। देखिएगा, ये जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, इसमें पहली बार किसी घुड़सवार ने जो है क्वालिफाई किया है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है फवाद मिर्जा। क्या नाम है उनका? फवाद मिर्जा। मात्र टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहली बार हैं, लेकिन और अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जो ओलंपिक हुए थे, उनमें भी इनसे पहले दो भारतीयों ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले जो घुड़सवारी में जो यू नो क्वालिफाई किया था, उनका नाम था इंद्रजीत लांबा। क्या नाम था उनका? इंद्रजीत लांबा। और ये अटलांटा ओलंपिक हुआ था 1996 के अंदर, जिसमें घुड़सवार के तौर पर इन्होंने क्वालिफाई किया था। इनके बाद फिर दूसरे नंबर के आए थे, फिर वो जो आए थे वो सन 2000 में आए थे। उनका नाम था इंतियाज। क्या नाम था उनका? इंतियाज। तो इंतियाज जो थे वो सिडनी ओलंपिक के अंदर उन्होंने घुड़सवार के तौर पर क्वालिफाई किया था। तो टोक्यो ओलंपिक में तो आप सभी को पता होगा कि जो फवाद मिर्जा हैं, ये पहली बार टोक्यो ओलंपिक के अंदर कोई हमारे भारत का घुड़सवार ने क्वालिफाई किया है, मतलब वो वहाँ पर जाएंगे। अब देखिएगा, ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे वो एथेंस के अंदर हुए थे 1896 के अंदर। ये सभी को आपको पता होना चाहिए, यानी ओलंपिक जो हुए थे सबसे पहले ग्रीष्मकालीन, वो एथेंस के अंदर। और एथेंस जो है वो ग्रीस की राजधानी। किसकी राजधानी है? ग्रीस की राजधानी एथेंस। और देखिएगा, आप सभी को पता होगा कि 32वां ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होने वाला था वो 2020 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से उसे 2021 में कर दिया गया। आपको मैं बता दूं, अभी जस्ट जो है जुलाई अगस्त में ये ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। 32वें नंबर का जो ओलंपिक होने वाला है ना, वो अभी जो है जुलाई अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। अब आप पूछेंगे सर कि इसका जो शुभांकर है वो क्या है? इसका नाम है मिराई तोबा। क्या है? तोबा रे तोबा, मिराई तोबा। याद रखना, मिराई तोबा शुभांकर है। तो इच्छा जाए कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके जो हेड हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम देखिएगा, जिनको सियोल शांति का जो अवार्ड पुरस्कार मिला था, वो वही व्यक्ति यानी कि थॉमस वॉक। याद रखना, थॉमस वॉक को शांति के क्षेत्र में उन्हें सियोल शांति जो है पुरस्कार मिला था। और ये जो थॉमस वॉक हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य यानी कि उनके अध्यक्ष हैं। तो इस शब्द को आप याद रखेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे वो 1896 के अंदर एथेंस के अंदर हुए थे, और एथेंस यानी कि ग्रीस की राजधानी है। इसके बाद 32वें नंबर के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले थे वो 2020 में होने वाले थे, वो शिफ्ट हो चुके हैं, अब 2021 में होंगे, जुलाई अगस्त में, याद रखेंगे। तो 33वें नंबर के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर होंगे? ये पेरिस के अंदर होंगे। पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। सर, 2022 का जो विंटर ओलंपिक होने वाला है वो किस देश में होगा? तो वो चीन देश में होगा, यानी कि बीजिंग के अंदर। याद रखना, टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो इन्होंने पहली बार क्वालिफाई किया था, उन व्यक्तियों, उन पर्सनालिटी के बारे में आपको नाम बता देता हूं। एक तो है नेत्रा कुमानन। याद रखिएगा, नेत्रा कुमानन ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर सेलर यानी नाविक के तौर पर इन्होंने क्वालिफाई किया है। दूसरा है भवानी सिंह। देखिए, भवानी सिंह ने तलवारबाजी में टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने पहली बार क्वालिफाई किया है। इसके बाद आता है विनेश फोगाट। ये भारतीय महिला जो पहलवान है, इन्होंने भी पहली बार ओलंपिक के, टोक्यो ओलंपिक में जो है क्वालिफाई किया है। तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखिएगा, ये ज़रूरी हैं, इनमें से बाहर नहीं जाने वाला। अगर ओलंपिक से कोई क्वेश्चन बनता है तो इनसे बाहर कभी नहीं जा सकता। अगर पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखना 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। अब बात करते हैं आरबीआई के बारे में। देखिए, 1934 का एक्ट आया था, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन की समिति की सिफारिश पर
आरबीआई को जो है वो बनाया गया था। अब बात करते हैं सर, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, याद रखना मुंबई के अंदर आरबीआई का हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं कि जो 24वें नंबर के जो इसके गवर्नर थे वो थे उर्जित आर पटेल, 25वें हो जाएंगे शक्तिकांत दास। अब बात करते हैं कि सर आजादी से पहले जो सबसे पहले जो गवर्नर बने थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था ओसवान स्मिथ। क्या नाम था? ओसवान स्मिथ। लेकिन आजादी के बाद जो आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख। तो देखिएगा, अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये एकमात्र ऐसा सबसे पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो कोरोना मुक्त हो गया है। यानी कि अंडमान निकोबार में अब कोरोना जो है कोई भी केसेस नहीं है। कोरोना अगर अंडमान निकोबार की बात की गई है तो देखो, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सेंडल पीक, और इसी के अंदर एक ही ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। उसका नाम क्या बताओ? उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। अंडमान निकोबार के बारे में दो तीन चीजें और याद रखिएगा, इसके अंदर सेलुलर जेल है, यानी कि इसके अंदर काला पानी की जो है सजा दी जाती थी। और सबसे पहले जो व्यक्ति थे हमारे, उनका नाम था वीर सावरकर, जिनको काला पानी की सजा अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल के अंदर इन्हीं को मिली थी। तो इन सभी फैक्ट को आप हल्का हल्का याद रखेगा। तो याद ये रखना है कि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना मुक्त हो चुका है, कोरोना फ्री हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इजराइल की जो संसद है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं नेसेट। क्या बोलते हैं उसे? नेसेट बोलते हैं। और जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। क्या बोलते हैं जापान की संसद को? डाइट बोला जाता है। इसाक हर्जोग, तो इसाक हर्जोग जो है वो इजराइल के 11वें नंबर के राष्ट्रपति के तौर पर इनको चुना गया है। ये 2 जून 2021 को इनका नाम घोषित किया गया। कि यहूदियों का जो पूजा स्थल होता है ना उसे सिनेगोग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यहूदियों के जो पूजा स्थल होता है उसे सिनेगोग बोलते हैं। सिनेगोग जैसे हमारा हिंदुओं का मंदिर बोला जाता है, वैसे ही वहां पर जो उनके पूजा पाठ करने के जो स्थान होते हैं उन्हें सिनेगोग बोला जाता है। और याद रखना, इसराइल विश्व का सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसमें यहूदी निवास करते हैं, यानी कि यहूदियों का सिर्फ एकमात्र देश है वो है इसराइल। आप सभी को पता होगा इसराइल में भी विवाद हुआ था, गाजा पट्टी। आप सभी को पता होगा फिलिस्तीन का अधिकार था वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर, तो ये जो दोनों क्षेत्र थे वो फिलिस्तीन के अंडर में आते थे। तो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में इन जो है विवाद हो गया था, और जो जो गाजा पट्टी, इसी के अंदर हमास जो आतंकी संगठन घोषित कर रखा है इसराइल ने, उसने जो था वो इसराइल पर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। आप सभी को पता होगा। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं, जो इसराइल है, इसराइल के बगल में कौन सा सागर है जो उसे टच करता है, तो उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। अगर मैं बात करता हूं कि जो गाजा पट्टी स्थान है वो किन दो देशों के बीच में आता है, तो ये इसराइल और मिस्र के बीच में आता है, और इसराइल के बगल में भूमध्य सागर है। आप याद रखेंगे, इसराइल को जो पीएम है वो है नेतन्याहू। क्या नाम है उनका? इसराइल के प्रधानमंत्री का नेतन्याहू। तो इन सभी सवालों को आप हल्का हल्का याद। बसद अल हसद ये सीरिया के 4थे नंबर के राष्ट्रपति बन गए। जाएगा लेबनान की राजधानी क्या है बताओ जल्दी से? वो है बेरूत। और बेरूत को आपको पता होगा, कुछ समय पहले आपको याद होगा वहां पर एक जहाज में आग लग गई थी, वहां की बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया था, बम धमाका हो, मतलब विस्फोट का धमाका हो गया था। तो जब भी कभी बेरूत का मैं जब भी कभी नाम सुनता हूं तो वो धमाका जरूर याद आता है। अब आप मुझे बताएंगे कि उस जहाज के अंदर जो वहां पर स्टोर था वो कौन सा पदार्थ स्टोर था जिसकी धमाके की वजह से वहां पर विस्फोट हो गया था। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होगा? 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर होने वाला है? तो ये होने वाला है कतर की राजधानी दोहा के अंदर। क्या होगा? कतर की राजधानी दोहा के अंदर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। अब यूएई के बारे में भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं। यूएई ने पता होगा मंगल ग्रह पर होप मिशन लॉन्च किया था, सभी को पता है। और एक और बात याद रखिएगा कि अभी गोल्डन वीजा जो है प्रदान किया गया था हमारे भारतीय एक्टर सबसे पहले थे, उनका नाम था संजय दत्त। और ये जो जितने भी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, यूएई की जो राजधानी वो है आबू धाबी। और आईपीएल कहाँ भूल जाएंगे? 13वें नंबर का जो आईपीएल हुआ था वो भी यूएई के अंदर हुआ था। जो रिमेनिंग जो अभी और भी आईपीएल के टूर्नामेंट बचे हैं वो भी आपके यूएई के अंदर ही होने वाले हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा के गवर्नर कौन है, क्या आपको उनका नाम पता है? क्या उड़ीसा के गवर्नर कौन है? इस सभी को आपको भूलना नहीं है। देखिएगा, उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है उनका? गणेशी लाल। अब पूछा जाए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? Everyone knows, क्योंकि उनका नाम है नवीन पटनायक। ये आपको मैं बता दूं, नवीन पटनायक लगातार 4 बार वहां के सीएम हैं और अभी भी वो वहीं के सीएम बने हुए हैं। ये सन 2000 से लेकर के अभी तक
उड़ीसा की जो है वो सीएम बने हुए नवीन पटनायक, बड़ी हस्ती है, बड़ा नाम है, अच्छा काम करते हैं वहां पर। अभी आपको पता हुआ यास चक्रवात आया था तो पहले ही उन्होंने बहुत सारे अपने अधिकारियों को जो है सूचित कर दिया था और उनको सतर्क कर दिया था ताकि जान 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 माल की जो है हानि ना हो। अब थोड़ा सा हम उड़ीसा के बारे में बात करते थे तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और याद रखना सबसे पहली जो स्मार्ट सिटी थी वो भुवनेश्वर ही थी। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल के बारे में तो उड़ीसा से जो संपर्क रखते हैं जो और राज्य उनका नाम क्या है? देखो सबसे ऊपर तो पश्चिम बंगाल आता है, उसके बगल में झारखंड आता है, उसके नीचे छत्तीसगढ़ आता है और उसके साइड में आंध्र प्रदेश आता है। ये जो राज्य है यानी कि चार राज्य हमारे उड़ीसा से सीमा लगाते हैं कि जो है उड़ीसा उसके लोकसभा की सीट कितनी है? 21 है। राज्यसभा की कितनी है? 10। और बात करते हैं विधानसभा की कितनी है, वहां पर है 147। अब बात करते हैं यहाँ के जिले कितने हैं? 30। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1936 के अंदर हुई थी उड़ीसा की स्थापना। और याद रखना 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारी चीजें याद रखेंगे। देखो लोकसभा की कितनी है? 20। और राज्यसभा की कितनी है? 10। यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो कितनी है बताओ? 30। और इसमें जो विधानसभा की सीटें वो हैं 147। और इसका जो स्थापना हुई था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था इसका स्थापना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ के पेड़ पक्षी पशु ये सब फूल वूल जो है इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपके जो उड़ीसा का राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडियन रोलर। बड़ा अच्छा नाम है अंग्रेजी का से देखो, इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय जो है पक्षी है। अब बात करते हैं पशु की तो उड़ीसा का जो राजकीय पशु है वो है सावर। क्या है? सावर। यहाँ का जो राजकीय पेड़ है वो है पीपल। अब राजकीय फूल क्या है? अशोका। क्या है? अशोका। लेकिन आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का जो राजकीय जो पेड़ है वो अशोक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब मैं आऊंगा जब बहुत ज्यादा डिस्कस के साथ में आऊंगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि हीरो टू एनिमल का अवार्ड जो दिया गया था वो किस राज्य के सीएम को मिला था तो वो उड़ीसा के सीएम थे नवीन पटनायक, उन्हीं को ये अवार्ड मिला था हीरो टू एनिमल। अब आप कहें तो मैं उड़ीसा का एक बार क्विक रिविजन करवा देता हूं कि उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, ये जो पहली स्मार्ट सिटी है तो सर जी 100 नंबर की जो स्मार्ट सिटी वो क्या है? वो है शिलोंग। मैंने आपको बताया था मेघालय के बारे में, मेघालय की राजधानी शिलोंग और शिलोंग की ही अरुण दत्ती रॉय हैं। क्या हैं? अरुण दत्ती रॉय हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अंडरस्टैंड द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और आजादी, ये जो तीन बुक हैं वो अरुण दत्ती रॉय की हैं और अरुण दत्ती रॉय का संबंध है शिलोंग से और मेघालय की राजधानी है शिलोंग और शिलोंग जो है वो 100 नंबर की स्मार्ट सिटी है। तो उधर नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। अब मैं बात करता हूं उड़ीसा के सीएम कौन है बताओ? नवीन पटनायक जी हैं जो लगातार 2000 से लेकर के अभी तक वहां पर सीएम बने हुए हैं। वहां के जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। आप भी हल्का हल्का याद करते जाइएगा। राज्य लोकसभा की सीटें 21, राज्यसभा की हैं 10, वहां पर जो विधानसभा की सीटें वो हैं 147 और यहाँ के जो जिले हैं वो हैं 30 और उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस जो मनाया जाता है वो 1 अप्रैल 1936 को मनाया जाता है क्योंकि 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ का राजकीय जो पक्षी है उसका नाम क्या बताओ? उसका नाम है इंडियन रोलर। क्या नाम उसका? इंडियन रोलर। अगर मैं बात करता हूं पेड़ के बारे में तो वो पीपल है, अंडरस्टैंड, पेड़ के बारे में वो पीपल है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ का जो फूल है उसका नाम है अशोका। क्या नाम है उसका? अशोका। तो ये सारी चीजें। अगर मैं राजकीय पशु के बारे में बात करता हूं तो वो है सांवर। अंडरस्टैंड, वो सांवर खा ले वाला नहीं, ये सांवर है, एक ब्लैक कलर का होता है थोड़ा थोड़ा हिरन टाइप में, तो वो सांवर यहाँ का राजकीय पशु है। और हीरो टू एनिमल का जो अवार्ड दिया गया था वो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक साहब को मिला था। अब मैं आपको कुछ बुक्सेस बता देता हूँ जो इंडियन क्रिकेटर हैं उनकी बुक्सेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी बुक्सें याद हो जाएँ, आप भी रिविज़न करें, बार बार करें, याद हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि बिलीव नाम की जो बुक है वो किसकी है? सुरेश रैना। Playing It My Way, सचिन तेंदुलकर, A Century Is Not Enough, सौरव गांगुली जो BCCI के हेड हैं और BCCI के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम क्या बताओ? आप तो किसी को नहीं याद होगा, उनका नाम है राजीव शुक्ला। तो राजीव शुक्ला। अगर मैं बात करता हूँ ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो दुबई के अंदर हेडक्वार्टर बना हुआ है उनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ग्रेग बर्कले साहब जो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को आपको याद होना चाहिए। बिलीव अपने ऊपर सुरेश राणा भरोसा करते थे तो इसलिए उनको जो है हौसला था। अब आपको पता होगा मिशन हौसला, उत्तराखंड की पुलिस ने कोविड के रोगियों को घर में सहायता देने के लिए मिशन हौसला नाम की योजना की शुरुआत की थी।
ये सारी चीजें सर जी याद आपको होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बस टच करो और आगे बढ़ते जाओ। अगर मैं टच करता ना और भी बढ़ जाता, उत्तराखंड के मैं नेशनल पार्क को ले लेता, वहां से फिर मैं भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैं आ जाता। लेकिन थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स बचे हैं बुक्स के बारे में, उनके बारे में बताता हूँ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरभ गांगुली, बिलीव हो जाएगा सुरेश रैना, एंड यू नो प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर साहब। एक बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का जो टेस्ट है, इम्तहान है, वो जो बुक लिखी थी वो युवराज सिंह, जब वो कैंसर से सही हुए थे उनके बाद इन्होंने ये बुक लिखी थी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक और है द वाइट टाइगर, ये बड़ी अच्छी पुस्तक है, द वाइट टाइगर, इनके जो राइटर हैं वो हैं अरविंद अडिगा, और अरविंद अडिगा यानी इस बुक पुस्तक को, द वाइट टाइगर को मैन बुकर प्राइज मिला था। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पुस्तक को द मैन, यू नो, मैन बुकर प्राइज मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार रिविजन करवा देता हूँ, युवराज की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अरविंद अडिगा की है द वाइट टाइगर, इसको मैन बुकर प्राइज मिला है। बिलीव, ये सौरभ गांगुली, माफी चाहूंगा, सुरेश रैना की है। सौरभ गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ है, प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर साहब की है। तो सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। आपसे मैं थोड़ा नेशनल पार्क के बारे में जल्दी से क्विक रिविजन करवा देता हूं। क्या आपको पता है बांदीपुर बन्नेरघट्टा नागरहोल, यानी कि नागरहोल बांदीपुर बन्नेरघट्टा, ये जो नेशनल पार्क हैं ये किस राज्य के हैं? पता है क्या आपको? ये कर्नाटक राज्य के हैं। किसके? कर्नाटक राज्य के हैं। अंडरस्टैंड? मैं बात करता हूं भरतपुर राजस्थान का, कौन सा है बताओ? केवला देव नेशनल पार्क। और ये पक्षियों का स्वर्ग की धरती, इस केवला देव नेशनल पार्क को कहा जाता है। बिहार का क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर का क्या है? दाचिंगम नेशनल पार्क। लद्दाख का क्या है जल्दी से बताओ? हेमिस नेशनल पार्क। ये साउथ बटन नेशनल पार्क ये अंडमान निकोबार का है, जो मैंने अभी अभी आपको अंडमान निकोबार की बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। और पिन घाटी नेशनल पार्क ये किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। तो धीरे धीरे चीजें आपको याद होने जाएंगी। भगवान महावीर स्वामी ये जो नेशनल पार्क है गोवा का नेशनल पार्क है। एराबीकुलम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस राज्य का है? तो ये केरल का है। किस पूछा जाए कि झारखंड जिसकी सीमा उड़ीसा से लगती है, तो झारखंड का कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। क्या है बताओ? बेतला नेशनल पार्क। एक और है याद रखना, ये झारखंड का। एक और होगा सुंदरबन और जल्दापरा नेशनल पार्क, यानी कि सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापरा नेशनल पार्क, ये दीदी की नगरी यानी कि पश्चिमी बंगाल के नेशनल पार्क हैं। जल्दापरा, सुंदरबन, बेतवा जो नेशनल पार्क है ये आपका झारखंड का है। और झारखंड की सीमा जो है ये आपके उड़ीसा से लगती है और झारखंड की राजधानी है रांची। याद रखना काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसे तैरता हुआ नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ये मणिपुर का है। किसका है? मणिपुर का है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क क्या था, उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, उसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया, वो पड़ गया था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड के अंदर है। याद रहेगा नहीं आएगा? याद रहेगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया था उत्तराखंड के अंदर, लेकिन 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 जो हिम तेंदुआ राजकीय पशु है ये हिमाचल प्रदेश का है, और हिमाचल प्रदेश का जो नेशनल पार्क है वो है पिन घाटी नेशनल पार्क। क्या है बताओ? पिन घाटी नेशनल पार्क। मैं क्विक आपसे क्वेश्चन करता हूं, एराबीकुलम नेशनल पार्क ये किस राज्य का है? इस सवाल का जवाब अभी बताइएगा। कि काजीरंगा नेशनल पार्क ये किस राज्य का है? तो आप सभी को पता होगा, इसे कौन भूल सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये काजीरंग असम, चल दिए काजी मानस, आपको पता है ना, तो असम राज्य का है। किसका है? असम, जिसका राजधानी है दिसपुर। और याद रखेगा कि असम का है एक सींग वाला, इसमें गैंडा मिलता है, और इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। लास्ट है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। मैंने आपको बताया था कि जो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है ये कर्नाटक के अंदर, नागरहोल बताया था, क्या बताया था? नागरहोल बताया था, बन्नेरघट्टा बताया था, बांदीपुर बताया था। लेकिन बन्नेरघट्टा के बारे में आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि इसके अंदर हाथियों का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब सर जी ये होता क्या है, देखिएगा, हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वहां पर हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वहां पर मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष चलता है उसको कैसे भी करके कम किया जा सके, क्योंकि जो माहौल है उसे फ्रेंडली तौर पर बनाया जा सके, इसका मोटिव यह है। भारत का पहला तितली पार्क
ये किस नेशनल पार्क के अंदर बना था? तो ये बना था बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक के अंदर। तो ये सर सारे याद हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार रिवीजन भी करा देता हूँ सभी का। देखिएगा, केरल की बात करते हैं तो एराबिकुलम साइलेंट वैली हो जाएगा, कर्नाटक की बात करते हैं तो बांदीपुर, बन्नेरघट्टा और नागरहोल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, पिनघाटी नेशनल पार्क, झारखंड का बेतला नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल का मैंने दो बताए थे आपको कौन कौन से, सुंदरवन और जल्दापारा नेशनल पार्क, बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का दाचिंगम हो जाएगा, लद्दाख का क्या हो जाएगा हेमस नेशनल पार्क हो जाएगा, सबसे बड़ा है। सबसे पहला हो जाएगा उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क, उसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। लेकिन यहीं पर बात करते हैं कि हमारे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क, और ये जो नेशनल पार्क है ये आपका अंडमान और निकोबार में आता है। गोवा के अंदर कौन सा है, भगवान महावीर नेशनल पार्क है, ये गोवा के अंदर पाया जाता है। तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। बात करता हूं भरतपुर के बारे में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क है, और इसको हम जो बोलते हैं पक्षियों के स्वर्ग की धरती के रूप में इस केवलादेव नेशनल पार्क को जो है वो जाना जाता है। तो इसे कौन भूल सकता है, काफी अच्छा है, भरतपुर का है ये। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाना। यदि आपको मेहनत अच्छी लगती है तो मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर किया करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने दोस्तों को जोड़ करके उन सभी के पास इस वीडियो को पहुंचाना है ताकि उन सभी का भी रिवीजन हो सके। जिस तरह से मैंने याद किया है, जिस तरह से सारी चीज़ों को लिख लिख करके बार बार प्रैक्टिस करके ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, और उन्हीं पर आप बार बार पढ़ते रहो, याद करते रहो तो हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद करने का विषय है, अब वहाँ पर जाकर के तो आप इनको देख नहीं सकते, याद ही करना है, तो इसलिए मेहनत तो लगेगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।